हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में ऑटिज़म में क्या फ़र्क रहता है, क्या डिफरेंस रहता है। और ये तब हम कर पाते हैं जब हम बच्चों के बिहेवियर्स को क्लोजली देखते हैं। और आज मैं उन्हीं बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि दोनों, अगर आपके बच्चे को जो भी ऑटिज़म है, चाहे माइल्ड है या मॉडरेट है, उनका ट्रीटमेंट में थोड़ा फ़र्क रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो उस हिसाब से हम बच्चे को दें ताकि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके। सपोर्ट की ज़रूरत इवन माइल्ड केस में भी बच्चों को होती है, लेकिन सपोर्ट को किस तरह से बिल्कुल कम करके हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बना दें, और मॉडरेट ऑटिज़म है, किस तरह से हम उसकी सपोर्ट को कम कर सकें, ये चीज़ें हमें समझने की, बींग ए पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है। और इस पर स्टार्टिंग से ही हमें ये चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मैंने इन दोनों ऑटिज़म को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेरे पास एक बच्चा आता था काफ़ी साल पहले, मृदुल, वो उसको माइल्ड ऑटिज़म था। माइल्ड ऑटिज़म इन द सेंस कि वो बच्चा बोलने में, उसको चाहे वो मेरे पास आके उसने बोलना स्टार्ट किया, उसने लिखना पढ़ना सब कुछ बहुत जल्दी ये चीज़ें सीखी। माइल्ड ऑटिज़म केस, जबकि गुरजोत मॉडरेट और टू सीवियर कैटेगरी में डायग्नोस हुआ था। मॉडरेट ऑटिज़म में बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज, सेंसरी इश्यूज, सोशल इश्यूज बहुत अधिक होते हैं, जिसका असर बच्चों के बिहेवियर पर पड़ता है। बच्चों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे इस सपोर्ट को कम किया जा सकता है। लेकिन माइल्ड ऑटिज़म में डिफ़िकल्टीज होती तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बच्चे जल्दी सीखते हैं और उन्हें दूसरों के साथ कनेक्ट होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन सभी एरियाज़ में उन्हें भी डिफ़िकल्टीज होती हैं जिनमें मॉडरेट ऑटिज्म को रहती हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। उस डिफरेंस को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती थी। वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें मैं देखती थी माइल्ड ऑटिज्म बच्चे में और एक मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी बच्चे में, क्या डिफरेंस था। सबसे पहले जो डिफरेंस था वो था बिहेवियर्स को लेकर। गुरजोत में बिहेवियर्स बहुत, गुरजोत माइल्ड टू मॉडरेट में डायग्नोस हुआ था, तो उसमें बिहेवियर्स ऐसे थे कि बहुत ही गुस्सा करना। ये बात तब की है जब वो अर्ली चाइल्डहुड में था, आज नहीं। आज उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो डिफरेंस जो मैं नोटिस करती थी वो क्या था। एक डिफरेंस ये था सबसे बड़ा कि गुरजोत में बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर्स थे, बहुत ही अधिक मेल्टडाउन्स थे, और इतने अधिक वो सेल्फ इंजूरियस, जिसे हम कहते हैं कुछ ऐसे बिहेवियर्स होना, क्योंकि बोल नहीं पाता था, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। माइल्ड ऑटिज़म मृदुल, वो अपनी बातें कह देता था, बोल देता था कि उसे क्या चाहिए। ये चीज़ एक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज जो बच्चों में रहती है, क्योंकि जब आपके बच्चे को मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में डायग्नोस हुआ है तो बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर बहुत डिफ़िकल्टीज रहती हैं, क्योंकि बच्चे अपनी बातें नहीं बता पाते हैं, ज़्यादातर नॉन वर्बल रहती हैं, और जो वर्बल भी होते हैं उनमें वर्बल स्टिमिंग या फिर एकोलेलिया, ये इश्यूज बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे फंक्शनल स्पीच उनमें नहीं आ पाती है, और उसका असर पड़ता है उनके बिहेवियर्स पर। वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू अपनी बातों को, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने डिस्कम्फर्ट को, अपने फ्रस्ट्रेशन को वो इन चैलेंजिंग बिहेवियर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जबकि माइल्ड ऑटिज़म में ये रहता है कि बच्चों में बिहेवियर इश्यूज बहुत कम होते हैं, उनमें अग्रेशन काफ़ी कम होता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होते हैं, समटाइम्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। अब जैसे कि गुरजोत का ऐसा था कि उसे सेल्फ हिटिंग के बिहेवियर्स थे, बहुत गुस्सा करता था, और ज़मीन पर लेट जाना, गुस्सा करना, टेंटम्स थ्रो करना, या ख़ुद को हिट करते रहना, सामने वाले को उसने कभी हिट नहीं किया। जबकि मृदुल में ये था कि अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो ये बता नहीं पाता था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो रोना शुरू कर देता था, बहुत ज़ोर से रोना, लाउड रोना, और साथ में बहुत ऊंचा लाउड साउंड में बोलते रहना कुछ ना कुछ, कि वो मुझे उसकी हेल्पलेसनेस दिखती थी कि वो बता नहीं पा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो रो रहा है और अपना डिस्कम्फर्ट वो शो कर रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या मुझे कुछ और करना है। ये चीज़ें जब कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज तो होती हैं, लेकिन एक मॉडरेट बच्चे में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आपका बच्चा माइल्ड है तो वो बोल लेता है, चीज़ें बता देता है, लेकिन गुरजोत अपनी चीज़ें नहीं बता पाता था, उसे अपने की इवन की बेसिक नीड्स बताने में भी प्रॉब्लम होती थी। एक चीज़ और होती है, जब आपका बच्चा मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में डायग्नोस होता है तो उसे सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई एक स्किल जब मैं उसे सिखाती थी तो उसे काफ़ी दिन लग जाते थे, जबकि वो चीज़ मृदुल बहुत जल्दी सीख जाता था।
ये एक चीज़ की आपको जब आपके बच्चे को आपको पता है कि आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज्म है, तो हम कंपेयर नहीं करेंगे कि वो बच्चा इतना करा है और मेरा बच्चा कुछ नहीं करा। मैंने देखा है बहुत से बच्चे बोलते हैं माइल्ड केस में काफ़ी चीज़ें वो करते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं करता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे का अपना लेवल है और हमें उसकी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना है, रादर देन उसे कंपेयर करना किसी और बच्चे के साथ में। हम ये गलत करते हैं और हमें ये नहीं करना है। हमें अगर हमारे बच्चे में हमें पता है कि उसको मॉडरेट ऑटिज़म है और उसको फंक्शनिंग लेवल उसका ऐसा है कि मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, तो हमें वी नीड टू बी मोर पेशेंट वाइल वर्किंग विद आवर चिल्ड्रन, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बच्चा उस हिसाब से इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो सीखेगा ज़रूर, ये ज़रूर होता है कि वो सीखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब मैं बात करूँगी कॉन्वर्सेशन की। कॉन्वर्सेशन को लेकर भी ऐसा नहीं है कि माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे बोलते हैं, बच्चे बोलते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, एक पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन क्या होता है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, यानी कि मैं बात कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और बच्चा आंसर कर रहा है, और बच्चा क्वेश्चन कर रहा है और मैं उसे आंसर कर रही हूँ। इसे हम बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कहते हैं। मृदुल को इस चीज़ में डिफ़िकल्टी थी, अगर मैं उसे लगातार क्वेश्चंस करती थी तो वो नहीं आंसर कर पाता था उतनी देर तक और समझ नहीं पाता था चीज़ों को। तो ये चीज़ें बच्चों को, हमें माइल्ड केस में भी बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मॉडरेट अगर आपका बच्चा है, मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में है, तो ये डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चों को सोशल स्किल्स में, आई कॉन्टैक्ट देने में या फिर और चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज को समझने में, इमोशंस को समझने में, इन चीज़ों में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और ख़ुद को एक्सप्रेस करने में। ऐसा नहीं होता कि स्टीमिंग बच्चों में, माइल्ड में नहीं होती है, माइल्ड ऑटिज़म में भी स्टीमिंग के बिहेवियर्स होती हैं, लेकिन काफ़ी कम होती हैं। गुरजोत लगातार रॉक करता था और लगातार हैंड फ्लैपिंग उसका इतना ज़्यादा था कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर बिहेवियर था। जो मृदुल था, मृदुल में ये था कि वो पत्तों को तोड़ता था, ये एक बिहेवियर उसका इतना ज़्यादा सीवियर नहीं था लेकिन बहुत अधिक था। तो स्टीमिंग जो है दोनों में देखी जा सकती है, लेकिन स्टीमिंग इतनी ज़्यादा होती है मॉडरेट कैटेगरी में कि वो बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, बच्चे कहीं ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, क्या चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं मृदुल के साथ काम कर रही थी तो उसका ध्यान कहीं नहीं होता था, उसका ध्यान मेरी तरफ होता था, लेकिन गुरजोत का ध्यान इधर उधर ही रहता था और लगातार या फिर हाथों को स्टीम करते रहना, हाथों को देखते रहना ऐसा था। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है कि वो लगातार रहता है, जब हम बच्चों के साथ लगातार काम करते रहते हैं तो बच्चे फोकस करना भी शुरू करते हैं। गुरजोत का कंसंट्रेशन भी बहुत कम था, ADHD वो डायग्नोस हुआ था कंबाइंड विद ASD के साथ में, उसे ADHD भी है, जिस वजह से वो काफ़ी हाइपर भी रहता था और कंसंट्रेशन में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, देखता नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, बिलीव मी, मैंने गुरजोत के साथ में काम करके ये चीज़ें सीखी हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो मैडम, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, कहाँ से वो रिसोर्सेज बताइए हमें। तो वो जो बुक मैंने पढ़ी है वो है मेरा बेटा गुरजोत, उसे पढ़कर मैंने जाना है ऑटिज़म क्या है और मुझे किस तरह से, क्या चैलेंजेस हैं उसके, क्या डिफ़िकल्टीज हैं उसकी और किस तरह से मुझे उन्हें उसकी डिफ़िकल्टीज को कम करना है, और वो मैं कर पाई हूँ ही मैं आपके साथ वीडियोस में शेयर करती हूँ ताकि आप पेरेंट्स को उनसे हेल्प मिले। और मुझे खुशी होती है जब पेरेंट्स मुझे ये बताते हैं कि उन्हें हेल्प मिलती है। ये एक चीज़ कि माइंड में आपका बच्चा और काम पर ध्यान भी दे रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, थोड़ा बहुत आंसर भी कर रहा है, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में बच्चों को आपको देखने में, आपको समझने में, सुनने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। चाहे आपका बच्चा माइल्ड केस है या फिर मॉडरेट है, सोशल इम्पेयरमेंट रहती हैं और इस इम्पेयरमेंट को कम करने के लिए ज़रूरत, हमें ज़रूरत होती है बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की। माइल्ड ऑटिज़म में जहाँ हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पर ज़्यादा जोर देते हैं, वहीं पर हमें मॉडरेट में ABA थेरेपी को चूज़ करने की ज़रूरत होती है। हमें बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम को स्पेंड करना है ताकि बच्चों में वो अकेलापन ना रहे, उनका ब्रेन खाली ना रहे और वो हमारे साथ कनेक्टेड हो सकें। जितना ज़्यादा हो, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम बच्चों को अपने साथ कनेक्ट रख सकें, उसे अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेला जब बच्चा रहता है तो उसमें स्टीमिंग के बिहेवियर्स डेवलप होने के चांसेस
100% होती हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज्म है। और अगर मैं सोशल डिफ़िकल्टीज़ की बात करूं तो बच्चों को माइल्ड ऑटिज्म में भी बच्चों को दोस्त बनाने में मुश्किल हो सकती है, किसी दोस्त के साथ किस तरह से खेलना है या किस तरह से इंटरेक्ट करना है। अगर आपका बच्चा मॉडरेट और सीवियर में है तो उसकी इश्यूज़ ये होती हैं कि बच्चा दूसरों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, उसको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझने में, खुद को उसके साथ कनेक्ट करने में अपने आप को बहुत मुश्किल होती है, किसी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है वो ये नहीं समझते हैं। ये चीज़ें भी हमें बच्चों को सोशल स्किल्स ट्रेनिंग ना सिर्फ माइल्ड ऑटिज्म में बच्ची बल्कि अगर आपका बच्चा मॉडरेट भी है तब भी उसे घर पर आपको देने की ज़रूरत है। कि माइल्ड ऑटिज्म में हमारा जो ध्यान होता है, फोकस होता है, वो इस बात पर होता है कि बच्चा दूसरों के साथ दोस्ती करे, उसे कन्वर्सेशन स्किल्स सिखाना कि किस तरह से दूसरों से बात करनी है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन सिखाना, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और मॉडरेट टू सीवियर अगर आपका बच्चा है तब भी हमारी कोशिश जो है, हमारा टारगेट थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, हम इजी स्टेप्स लेंगे फिर भी हम उन्हें सोशली दूसरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। चाहे डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होती हैं माइल्ड के मुकाबले, लेकिन कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा, नहीं कुछ नहीं मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है जब आप बच्चों के सोशल स्किल्स पर काम करते हैं। माइल्ड ऑटिज्म में बच्चे बेसिक स्किल्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बेसिक सोशल स्किल्स की बात करूं जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन स्किल्स, या आपकी बातों का जवाब देना, इंटरेक्शन करना, आपके साथ खुश रहना, कंपनी को एंजॉय करते हैं वो आपकी और चीज़ों को समझने लगते हैं। लेकिन मॉडरेट ऑटिज्म में बच्चे दूर दूर रहते हैं, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, उन्हें सेंसरी इश्यूज़ की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और पीयर ग्रुप में भी वो इतने कम्फर्टेबल फील नहीं करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। करूँगी सेंसरी इश्यूज़ की, सेंसरी इश्यूज़ में क्या फ़र्क होता है कि सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ मॉडरेट टू सीवियर में ज़्यादा रहती हैं कंपैरेटिवली। अगर मैं माइल्ड की बात करूँ, माइल्ड में सेंसरी इश्यूज़ कम देखने को मिलते हैं, इतने सीवियर अगर होते भी तो इतने सीवियर नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनकी लर्निंग अफेक्ट हो, बच्चे ध्यान दे पाते हैं, बच्चे काम कर पाते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टीज होती हैं तो थोड़ी बहुत होती हैं जो उनके बिहेवियर्स के थ्रू शो होती हैं, जैसे कि पत्तों को तोड़ना या चीज़ों को लाइन अप करना, ये बिहेवियर्स इतने चैलेंजिंग नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़म की, तो उसमें बच्चों में मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और ये बिहेवियर्स जो हैं ये बहुत कॉमन है जिन बच्चों को मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़म होता है। और ये मैं बिहेवियर्स गुरजोत में नोटिस करती थी जब वो छोटा था, लेकिन आज वो बिहेवियर मुझे बहुत कम दिखते हैं। और ये बिहेवियर्स के लिए हमें पेरेंट्स को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे को मेल्टडाउन्स किस वजह से हो रहे हैं, और एनवायरनमेंट को उस हिसाब से एडजस्ट करने की। अगर शोर से उसको प्रॉब्लम है तो हम नॉइज़ को कम कर देंगे, अगर लाइट से प्रॉब्लम है तो लाइट को डिम रखिए, उसे एक कम्फर्ट जोन देना, उसके लिए हैवी ब्लैंकेट देना उसको, या उसको डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ देना भी उनकी इनसिक्योरिटी को कम करती है, उनके सेंसरी इश्यूज़ को कम करती हैं और उन्हें शांत रखती है, और बच्चों में मेल्टडाउन्स के इश्यूज़ धीरे धीरे कम होने लगते हैं। के बच्चे में कोई बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं तो आप बच्चे को ज़्यादा ध्यान दीजिए और उस चीज़ को, उस इनपुट को निकालने की कोशिश कीजिए और कुछ कामिंग ऐड करने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चे में मेल्टडाउन्स के इश्यूज कम से कम हों। कम्युनिकेशन को लेकर भी अगर बच्चे को डिफ़िकल्टीज हैं तो उनका भी सोल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर बोल नहीं पाता है तो वो समझेगा नहीं या वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बहुत से ऐसे मोड्स हैं जिससे आप बच्चों को कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। AAC जिसे मैं कहूँगी कि ऑटिज़म के लिए बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाना, या फिर बच्चों को पैक सिखाना, या फिर मैं बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ में टाइपिंग या आईपैड यूज़ कर रही हूँ, पिक्चर्स को पहले मैंने यूज़ किया, तो ये चीज़ें बच्चों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं और इससे भी बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ काफ़ी कम होते हैं। जब बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस था कि मैं जब मृदुल की मदर से बात करती थी तो मुझे वो बताती थी कि मृदुल को अपने आप ही सब कुछ आ गया, खाना पीना से लेकर अगर वो ब्रीदिंग करता है, नहाता है, ब्रशिंग, मुझे कभी उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मुझे ये बताया। आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़म है तो लाइफ स्किल्स को लेकर बहुत अधिक डिफ़िकल्टीज रहती हैं। ये सब चीज़ें आपको, अगर आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़म है तो याद रखिए, ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका बच्चा अपने आप से सीख लिया था, उसने अपने आप सीखा था तो ये भी अपने आप सीख जाएगा। हर एक बच्चा डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, उसको ज़रूरत है सीखने के लिए आपकी, तो आप उसे ज़रूर सिखाएंगे। माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे आपसे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मॉडरेट ऑटिज़म में बच्चों को कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे में बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल हो सकें। इसके साथ ही यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि गुरजोत को फाइन मोटर इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, और ये जो डिफ़िकल्टीज़ है ये
धीरे धीरे कम होती जाती हैं जब उनके हम स्किल्स पर लगातार काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने रोज़ के काम करने में उन्हें प्रॉब्लम्स रहती हैं और उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत रहती है कि उन्हें कोई हेल्प करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन जो है वो हमेशा रहेगी। अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं और हो सकता है आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आजकल जो अवेयरनेस है और जो काम हो रहा है बच्चों के साथ में, उस हिसाब से आजकल मॉडरेट ऑटिज्म को भी हम माइल्ड में आ सकता है अगर हम बच्चे के साथ बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर काम करते हैं। मेरी एक ये कोशिश ज़रूर होती थी कि चाहे बच्चा मेरा मॉडरेट है लेकिन मुझे उसके साथ काम नहीं छोड़ना है। मुझे हार कर ही बैठ जाना कि मॉडरेट है वो तो कोई सीखेगा ही नहीं। ये एक मेंटेलिटी को हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें जितना ज़्यादा कुछ भी है आपको उसके साथ काम तो करना ही है। इवन इफ कभी मेरी तबीयत खराब भी होती थी तो मैंने इस चीज़ को भी नहीं लिया। मुझे था कि मुझे उसके साथ काम तो करना है, एक डेढ़ दो घंटा तो मुझे उसको देना है, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी तो वो इधर उधर दौड़ता रहेगा। वो इधर उधर दौड़े उससे अच्छा है कि मैं उसके साथ काम करूं, क्योंकि जब बच्चे इधर उधर दौड़ने में ध्यान लगा देते हैं तो कुछ सीख नहीं पाते हैं, और उस टाइम पर बच्चे को सिखाना हमारी प्रायोरिटी होती है और बहुत ज़रूरी होता है उन्हें सिखाना। अब मैं बात करूंगी अकेडेमिक लेवल की। अकेडेमिक लेवल में क्या फ़र्क है गुरजोत और मृदुल में, मैं क्या देखती हूँ कि एक माइल्ड और एक मॉडरेट बच्चे में क्या डिफरेंस रहता है। माइल्ड और कैटेगरी में मृदुल को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आई हैंड कोऑर्डिनेशन के इश्यूज तो ज़रूर हैं कि वो बड़ा लिखता है तो मैं उसे लाइंस में लगा कर देती थी कि ये चीज़ें लिखो, लेकिन गुरजोत को सिर्फ आई हैंड कोऑर्डिनेशन में नहीं, उसको पेंसिल को होल्ड करने में, पेंसिल को चलाने में, यहाँ तक कि उसको डिस्ग्राफिया भी है कि वो अगर वन के बाद अगर उसे टू लिखने को बोल दिया जाए तो उसमें भी उसको इश्यूज़ हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज उसकी मृदुल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि मृदुल को सिर्फ रीडिंग राइटिंग उसको सब चीज़ें आ गई थी। हाँ, ये और बात है कि वो पूरी जैसे कि नॉर्मल बच्चे लिखते हैं वैसे नहीं लिख पाता, लेकिन वो कर लेता था। लेकिन गुरजोत के लिए प्रॉब्लम यह थी कि गुरजोत को लिखने में, पेंसिल को होल्ड करने में, या फिर बोलने में, या फिर पढ़ने में भी स्टार्टिंग में उसको डिफ़िकल्टीज थी। जब हम इन चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, एकेडमिक की मैं अगर बात करूं तो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, माइल्ड बच्चे जो होते हैं कई बार उनका डायग्नोज भी नहीं होता है, कई बार पता ही नहीं चलता कि बच्चे को कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टी है। लेकिन माइल्ड केस में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लेकिन मॉडरेट में ये डिफ़िकल्टीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। माइल्ड और मॉडरेट में मैंने कैसे इन चीज़ों में मैंने ये चीज़ें देखी, क्या फ़र्क देखा इन चीज़ों में, ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को, अपने बच्चों के साथ में कोई इनजस्टिस ना करें, हम बच्चों को समझें और उनके साथ काम करें। नो मैटर कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में है, लेकिन बच्चे एक कैटेगरी उनकी फ़िक्स ना रख दीजिए कि अगर आपका बच्चा मॉडरेट में अगर डायग्नोज हुआ तो मॉडरेट ही रहेगा, या माइल्ड में अगर हुआ है तो माइल्ड ही रहेगा। मेरे पास एक बच्चा आया था एब्रॉड से, जो सिर्फ एक महीने डेढ़ महीने के लिए आया था, वो बच्चा माइल्ड केस था, उसकी मदर ने उसे कुछ नहीं सिखाया, वो अपने आप सब कुछ सीखा, लेकिन कम्युनिकेशन को लेकर उसको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी क्योंकि उसे वो गाइडलाइंस नहीं कहीं से मिल रही थी। अगर आप बच्चों को काम नहीं करते हैं बच्चों के साथ में तो माइल्ड से बच्चे मॉडरेट हो सकते हैं, और अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो मॉडरेट से बच्चे माइल्ड में हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक डिफ़िकल्टीज़ बच्चों में, लिमिटेशंस होती हैं कि कंपैरेटिवली मॉडरेट ऑटिज़म में बच्चों को, जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़म है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत लाइफ टाइम रह सकती है, और जो कि माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे इंडिपेंडेंट होने के चांस, उनके इंडिपेंडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चाहे आपका बच्चा माइल्ड है या मॉडरेट है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत रहती है एक टाइम तक, और कई बार मॉडरेट कैटेगरी में है तो पूरा लाइफ टाइम रहती है बच्चों को अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनके बिहेवियर इश्यूज़ के लिए, उन्हें सिखाने के लिए उनको कोई गाइड कर, सुपरविजन उन्हें चाहिए, 24 घंटे उन्हें सुपरविजन चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपके बच्चे उस एक लेवल से भी बाहर आ सकते हैं अगर हम बच्चों के साथ में कंसिस्टेंट होकर काम करें। मृदुल नॉर्मल स्कूल में जा रहा है और वहाँ वो अच्छे से सीख रहा है। गुरजोत भी काफ़ी सीख रहा है, उसके एकेडमिक स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, उसके डेली लिविंग स्किल्स इंप्रूव हुए हैं और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। चाहे आपका बच्चा माइल्ड है या मॉडरेट है, कुल मिलाकर कहा जाए तो गोल हमारा होना चाहिए बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों में माइल्ड और मॉडरेट के इस डिफरेंस को समझने में और बच्चों के साथ में सही तरह से काम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।